हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने देखा, इससे आगे जो वीडियो चल रहा था उसमें आपने देखा कि लड़कियों को और लेडीज़ को टीका टक करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी हम यहाँ लगाते हैं तो वो खिसक के आगे आ जाता है, या कभी हम डांस वगैरह करते हैं तो वो कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, और कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि हमें टीके के लिए कैसी स्टाइल कैरी करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं किस तरह आप अपने टीके को एकदम फिक्स कर सकते हैं, ना तो वो हिलेगा और ना ही इधर उधर होगा, और अलग अलग तरह की स्टाइल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी फर्स्ट टीका हेयर स्टाइल से। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने बालों को इस तरह कॉम करना है अच्छे से। उसके बाद हमें एक सेंटर वाला पार्टीशन होता है वो निकालना है। आपके पास अगर टेल कॉम है तो आप उससे निकालें, एकदम सीधे सेंटर में मांग निकलेगी। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटर की मांग निकालेंगे। उसके बाद ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बैक साइड में कॉम करना है हमें इस तरह। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं करना है। इसके बाद हमें यहाँ से थोड़े से बाल लेने, एकदम ज़रा से, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो दिखेगा और बहुत कम लेंगे तो आपका जो टीका है वो अच्छे से टक हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए मैंने कितने कम बाल लिए हैं। और फिर हम लेंगे ब्लैक कलर की पतली वाली जो हेयर बैंड होती है वो हम लेंगे। अगर आप और किसी कलर की लेंगे तो दिखेगी, इसलिए आप पतली वाली इस तरह देख सकते हैं, इस तरह की हेयर बैंड होती है उसको लेंगे और छोटी सी यहाँ पे पोनी बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और ज़्यादा लूप्स ना लगाएं वरना ये वाली रबर बैंड होती है उसको निकालने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटी सी पोनी बनाई है अपनी। देखिए दिख भी नहीं रही क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का रबर बैंड है उसको लगाया हुआ है, इसलिए वो दिख नहीं रही। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अपने टीके का जो हुक होता है उस पोनी टेल में फंसाना है अच्छे से। देखिए और उसको फंसाने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका जैसे निकलता था इधर उधर मैं कर सकती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। हाँ लेकिन अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि जैसे मैं अगर मैं डांस करती हूँ या ज़्यादा मूव करती हूँ तो ये इधर उधर हिलेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है देखते हैं। जैसे ये बिंदी है आप देख सकते हैं, एक बिंदी लेनी है आपको लाइट कलर की, डार्क कलर की नहीं लेंगे क्योंकि गोल्ड या फिर सिल्वर आपने जो भी पहना है उस पर वो दिखेगी। तो हमें एक बिंदी लेनी है, देखिए उस पर थोड़ा सा फैबी गम है आपके पास, फैबी क्विक है वो कुछ भी हो वो लगा सकते हैं। और मैंने तो आई लैशेज वाला जो ग्लू होता है वो लिया है, आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। और फिर इसके लिए हमें एक और बिंदी लेनी है, आप देख सकते हैं ऐसे ही एक बिंदी ली और ये दो बिंदी। आप टू साइडेड वाला जो टेप होता है मोटा वाला उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से हमें स्टिक करना है। देखिए थोड़ा टाइम लगता है इसको सूखने में, मैंने ऑलरेडी एक करके रखा हुआ था, मैं उसको लगा लेती हूँ जब तक ये सूख रहा है तब तक, ठीक है। तो देखिए किस तरह आपको लगाना है। ये मैंने इस पर लगा के रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, अब मैंने इसको यहाँ लगाया, अपना जो टीका है उसको उस तरह स्टिक किया। आप देखिए देख सकते हैं स्टिक हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। आप चाहे इसमें डांस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हिल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से इसको चिपकाएं। देखिए ये तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलिए हम सेकेंड हेयर स्टाइल की बात करते हैं कि कैसे करना है। वाला टीका हेयर स्टाइल है वो बहुत ही सुपर कूल और यूनिक है फॉर गर्ल्स। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने जो पहले वाला हेयर स्टाइल था बिल्कुल वैसे ही रखना है। उसमें आपको अपनी फोर फिंगर लेनी है, ये देखिए इस तरह, और ये बाल ऐसे लेके कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको यहाँ अटैच कर देना है और एक क्लिप से इसको सेट कर देना है। अभी सेकंड मैंने लिया इसको, इधर भी मैंने फोर फिंगर लिया अपनी, ये देखिए देख सकते हैं, और इस तरह मैंने इसको लिया और यहाँ अटैच कर दिया। यू कैन सी स्टाइल इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर आप चाहें तो यहाँ अपने फ्लिक्स भी निकाल सकते हैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। देखिए आप
बहुत ही अच्छे से अटैच है ये, अब बहुत ही कूल लग रहा है, आपका टीका भी कहीं नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड हेयर स्टाइल। अब चलिए हम थर्ड हेयर स्टाइल की बात करते हैं। देखिए अब हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है, ये मैंने यहाँ से बालों को लिया और यहाँ से बालों को, ये यहाँ से बालों के लिया, यहाँ से थोड़े से बालों के लिया, और ये बाल जो लिए थे मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करूँगी, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे मुझे बाल नहीं उठाने सीधे, मुझे अंदर से ऐसे बाल उठाने हैं और फिर मैं इसमें थोड़े से बाल लूँगी, फिर ट्विस्ट करूँगी इसको, फिर मुझे थोड़े से बाल लेने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कर रही हूँ मैं, फिर मैं इन बालों को ट्विस्ट करूँगी, फिर मैं बाल लूँगी इस तरह, इसको ट्विस्ट करूँगी मैं ट्विस्ट किया इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, लास्ट तक हमें ट्विस्ट करना है। और जब हम इसको लगाएंगे हल्का सा लूज इस तरह करना है, हल्का सा ऐसे ही ट्विस्ट किया मैंने और इसको इस तरह से लूज करना है। और यहाँ आपको जो आपकी बॉबी पिन होती है, टिक टैक वाली क्लिप होती है, उससे भी चलिए तो अटैच। अब हम हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं। सेम उसी प्रोसेस में करना है। जैसे मैंने यहाँ से थोड़े से बाल लिए अपने और पीछे से थोड़े से बाल लिए, उसके बाद उसको ऐसे करना है जैसे उधर किया था, फिर थोड़े से यहाँ से बाल लिए। ऐसे आपको बाल को नहीं उठाना, अंदर से फिंगर डाल के उसके बाद उठाना है, क्योंकि फिर जो आपका ये शेप है स्टाइल का वो अच्छे से नहीं आएगा। एक के ऊपर एक इसको राउंड करना है जैसे मैंने उधर किया था, सेम उसी प्रोसेस से। देखिए आप देख सकते हैं मैंने कर लिया इसको अच्छे तरीके से, अच्छे से इसको ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, लूज करना है, फिर उसको इस तरह आप लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है। देखिए कैन सी बहुत ही इजी और अच्छा है। देखिए आप चाहें तो इसमें जूड़ा भी बना सकते हैं, यहाँ से आप अपनी थोड़ी सी फ्लिक्स निकाल सकते हैं, देखिए इस तरह से, और जूड़ा बना ले इसके ऊपर, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ बना के कि किस तरह आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके ऊपर से आप गजरा लगा लें, बहुत ही अमेजिंग लुक देगा। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी और यूनिक और डिफरेंट हेयर स्टाइल है, बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे इसके साइड वाला जो पार्टीशन होता है टीके में वो किस तरह करना है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कभी उनका टीका आगे को भागता है, कभी साइड से बाल दिखते हैं बालों में से टीका दिखता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया था सेम वही प्रोसेस है, आपने देखा मैंने टीका एक बार टक किया, उसके बाद मैंने अपने टीके को नहीं निकाला है क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है ओनी में। तो जैसे मैंने फ्रंट वाली जो मांग निकाली थी वैसे ही आपको निकालनी है, सेम यही हेयर स्टाइल रखना है। उसके बाद क्या करना है, आप अगर लेफ्ट साइड निकालते हैं तो लेफ्ट साइड, और राइट साइड निकालता है तो राइट साइड, किसी भी साइड आप अगर निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरह बालों को कर लें। और इसका एक और यूनिक सा आइडिया है कि आप अपने टीके की जो चेन होती है उसमें से चेन निकाल के अगर आप उसमें ब्लैक कलर का धागा डाल लेते हैं उसके बाद ये हेयर स्टाइल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इससे टीके की चेन नहीं दिखती। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से ये वाले बाल थे इसके ऊपर से अटैच किया। आप चाहें तो इस तरह भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आप देखिए ठीक है, मैं बताती हूँ, एक पिन ली बस, इस तरह आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है। देखिए अगर चाहें तो आप दोनों तरफ लगा सकती हैं, आप इस तरफ भी एक क्लिप को लगा सकती हैं। देखिए साइड पोर्शन जो होता पार्टीशन वो हो गया, अच्छे से इसको अटैच करना है, दो क्लिप लगाया। देखिए आप इसमें भी जूड़ा बना सकती हैं, जैसे मैंने सिंपल ये लिया हेयर। इसमें एक और है कि आप हल्का सा बालों को ट्विस्ट कर दें साइड वाली पार्टीशन में, देखिए हल्का सा रोल करें इस तरह, आगे को थोड़ा सा पुल करना है बालों को, और ऐसे ही सेम इधर। वो जो इससे पहले बताया था वो भी इसी तरह का था, लेकिन उसमें इसमें ये डिफरेंट है कि वो फ्रंट वाली मांग पे था और ये साइड वाली पे है, तो दोनों ही अलग हैं अपनी जगह। देखिए आप देख सकते हैं, और इस तरह आप कर सकते हैं।
कितना इजी है ये, इसमें भी आप चूड़ा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये टीके वाला हेयर स्टाइल और यूनिक अंदाज? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगली यूनिक नई ट्रिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।